कैसे बनेंगे वर्ल्ड चैंपियन, T20 वर्ल्ड कप को लेकर टीम इंडिया में क्यों है इतना कंफ्यूजन। जी हाँ, 2013 से चला आ रहा है ICC खिताब का इंतजार 10 साल बाद 2023 में खत्म नहीं हुआ और अब फिर उम्मीदों का दामन थामे भारतीय क्रिकेट टीम की नजरें अगले टूर्नामेंट पर टिकी हुई है। जून 2024 में 20 टीमों वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत भी खिताब के दावेदार के रूप में उतरेगा, जैसा कि हर बार होता है। बस नतीजा भी क्या वही रहेगा जो पिछले 10 साल से हर बार हो रहा है। टीम इंडिया के पास जिस तरह के खिलाड़ी है उससे तो खिताब की उम्मीद बनती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है उसमें काफी सवाल उठ रहे हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 19 नवंबर को उम्मीदों से उलट भारतीय टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था। उस हार के साथ ही खिताब जीतने का एक और मौका भी हाथ से फिसल गया था। इस फाइनल के नतीजे पर ज्यादा चर्चा भी नहीं हो पाई क्योंकि टीम मैनेजमेंट और BCCI T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुट गई और इन्हीं तैयारियों के बीच कुछ ऐसी खबरें आई जो कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। कप्तानी को लेकर भी कंफ्यूजन है। जी हाँ, सबसे पहले तो यही सवाल बना हुआ है कि कप्तान कौन होगा। पिछले T20 वर्ल्ड कप के बाद से ही रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या इस फॉर्मेट में टीम की कप्तानी कर रहे थे। ऐसा माना जा रहा था कि अगले T20 वर्ल्ड कप में रोहित नहीं खेलेंगे और हार्दिक ही टीम को लीड करेंगे। वर्ल्ड कप 2023 में बतौर कप्तान और बल्लेबाजी रोहित के प्रदर्शन ने स्थिति को बदल दिया। रिपोर्ट्स है कि सिलेक्शन कमेटी बोर्ड रोहित को ही कप्तान रखना चाहते हैं, फिर भी बोर्ड ने अभी तक इसको लेकर कोई ऐलान नहीं किया। अब सवाल यह है कि अगर रोहित वर्ल्ड कप से ठीक पहले IPL में सफल नहीं होते तो क्या बोर्ड हार्दिक को ये जिम्मेदारी देगा या फिर नहीं। अगला सवाल कोहली को लेकर है। कोहली के साथ ही बड़ी चर्चा है जो है वो बड़े स्टार विराट कोहली की जगह को लेकर है। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम सिलेक्शन के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी कि विराट कोहली जो है कितने नंबर पर खेले। रिपोर्ट में बताया गया कि सिलेक्टर्स कोहली को इस वर्ल्ड कप के लिए चुनने के मूड में नहीं है। सिलेक्टर्स कहना है कि तीसरे नंबर पर कोहली का गेम T20 के मुताबिक आक्रामक नहीं है और ऐसे में ईशान किशन को रोल देने के पक्ष में है जो ये काम कर सकते हैं। कोहली पिछले T20 वर्ल्ड कप और पिछले वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। क्या उनके जैसे अनुभवी बल्लेबाज को हटाने का फैसला सही होगा? अगर कोहली IPL में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो क्या तब भी उनकी अनदेखी की जाएगी या फिर नहीं? इसके अलावा कुछ खिलाड़ियों की जगह को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। क्या सिलेक्शन कमेटी ने T20 इंटरनेशनल में भारत के सबसे सफल गेंदबाज चहल को न चुनने का फैसला कर लिया है? चहल को साउथ अफ्रीका सीरीज में जगह नहीं मिली जो ये इशारा कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को लेकर है। अक्षर इस फॉर्मेट में ज्यादा बेहतर विकल्प बनकर उभरे हैं, लेकिन उन्हें भी सीरीज के लिए नहीं चुना गया जबकि जडेजा को उपकप्तान बनाया गया। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन और दीपक चाहर जैसे खिलाड़ियों की जगह को लेकर भी स्थिति साफ नहीं दिखाई देती है।